प्लान्स क्या होते हैं? मैं स्टैक किसी बात पे डट जाना कि मैंने ये काम करना है तो करना ही। ठीक, कोई फैसला ले लेना, कोई फैसला ले लेना और फिर उस पर टाइम लेना। पेरेंट्स की ये अब हमारा आज की बात, बस ये फैसला स्टांस है हमारा, ये हमारा मौकफ है और ये बिल्कुल नहीं दस से मस्त नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। और फाउंडेशन को क्या लगता है स्टैंड क्या होता है? पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादती है, ये मेरे पे पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं ये मेरी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ फैमिली के कुछ फैसले होते हैं जो वो लेते हैं कि ये अब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ आने से पहले पेशेंट फैमिली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं घर पर? क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की जा चुकी होती है घर पे? घर में स्मोकिंग अलाउड हो जाती है, घर में ड्रग्स आ रही होती हैं, ड्रग्स लाई जा रही होती हैं घर में ड्रग करने वाले फ्रेंड्स आ जा रहे होते हैं, तो ये भी अलाउड है। घर में तोड़ फोड़ भी अलाउड है पेशेंट की तरफ से, जो पेशेंट कर सकते हैं तोड़ फोड़ वो करता है। घर में रूड होना भी अलाउड है, घर में गुस्सा करना चीखना चिल्लाना भी अलाउड हो जाता है। फैमिली नहीं करती बट वो अलाउड हो जाता है कहीं ना कहीं साइलेंटली। घर में मोबाइल तोड़ना भी अलाउड है और मोबाइल तोड़ने के बाद फरमाइश करना भी अलाउड है कि अब मुझे अगला मोबाइल भी आप लेके दो। जो ट्रेडिशंस है उससे हट के अगर पेशेंट कुछ करता है तो फैमिली बिल्कुल बेबस होती है और वो खामोश रहती है और पेशेंट उसको इजाज़त समझते हैं। धमकियाँ देना भी अलाउड है, एक केओस मची होती है घर में, ये सारा कुछ हो रहा होता है और अब टफ लव कहता है कि स्टैंड ले। कुछ चीज़ों पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सेवंथ प्रिंसिपल कह रहे हैं कि जब आप स्टैंड लेते हैं तो जाहिर है पेशेंट कोई ना कोई क्राइसिस करेगा, उसके लिए फिजिकली तौर पर तैयार। स्टैंड इसीलिए लिया जाता है कि फैमिली डर रही होती है कि अगर हम कहेंगे कि अब नहीं तुम्हारे दोस्त आएंगे इस घर, अब तुम रातों को देर तक बाहर नहीं रहोगे, तो पेशेंट इस पर कोई ना कोई क्राइसिस करेगा। तो यहाँ अगर वो बता रहे हैं कि स्टैंड लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि आपने जो स्टैंड लेना है कि अब ये ऐसा इस घर में नहीं होगा, वो रिलीजियसली या मॉरल बेसिस पे, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, मजहबी तौर पर, और पेशेंट की जो मेडिकल हालात हैं, उसकी जो सेहत के मामला हैं, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टैंड बनाने होते हैं। सब ये स्टैंड कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, तिबी लिहाज से भी, जो पेशेंट की मेडिकल अगर रीजन हैं उस लिहाज से। ये नहीं है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स में है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है, हम कह रहे हैं इसको बंद कर दो, लॉक कर दो, अब ये घर से बाहर नहीं जाएगा, अब उसको जो होना है होता, फिर उसको हम लॉक कर देंगे, उसको उस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है। तो देखने की ज़रूरत है कि आप जो स्टैंड लेते हैं वो अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर और कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं। कई दफ़ा फैमिली जज्बाती तौर पर कहना शुरू कर देती है जज्बाती होकर कि आज के बाद अब तुम ये करोगे तो फिर देखना तुम्हें घर से निकाल देंगे, और फिर जब गुस्सा ठंडा होता है तो उसके बाद फिर उस पर जाहिर फॉलोअप नहीं होता। इससे क्या असर होता है अगर कोई किसी को कहता है अब तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर अब तुम ऐसा करोगे, स्टैंड ले लिया अब हमने, और उसके बाद फिर जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर आप उस पर अमल नहीं करते, तो पेशेंट के ऊपर क्या इम्प्रेशन जाता है? पेशेंट को ये इम्प्रेशन होगा कि वो ड्रग करता होगा, उसके लिए यही होगा कि ये जो मर्जी करते कहते हैं करते कुछ नहीं, कहते हैं करते कुछ हैं और कहते कुछ। तो जज्बाती उतार चढ़ाव की वजह से स्टैंड नहीं लेना चाहिए, जैसे कई दफ़ा कहते हैं कि बस हम, या वाइफ्स कह रही होती हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, ये जज्बाती तौर पर ये कोई स्टैंड लिया जाता है कि मैं अब ये ड्रग्स वगैरह की हूँ, आई एम डन विद इट, और उसके बाद जाहिर है फिर ऐसा जब नहीं, क्योंकि जब जज्बात ठंडे होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि ये मैं क्या जज्बाती तौर पर मैंने क्या कह दिया था। जी देखिए टफ लव कहता है कि आप वो बात मुँह से निकालें जो आप पूरी कर सकते हैं, और अगर आप कोई बात पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप वो बात ना कहें, कहना वो है जिस पर फिर आप पूरा उतरें। स्टैंड लेकर हट जाने से जाना ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू कि आप स्टैंड लें ही ना कोई, क्योंकि इससे आपकी रिट बिल्कुल ख़राब हो जाती है कि ये कहते हैं पर करते कुछ नहीं है, फोकी धमकियाँ जिसे कहते हैं, एम्प्टी थ्रेट्स
दी जा रही होती हैं, तो ये वर्क नहीं करती. द पर्पज ऑफ टेकिंग अ स्टैंड शुड बी क्लियर, क्योंकि पेशेंट्स कह रहे होते हैं इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, 8 बजे तक घर आकर तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तो फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि ये जो हम स्टैंड ले रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है. आप में से फैमिलीज़ में से किसी को पता है कि ये जो मोबाइल कहा जाता है कि नहीं देना अभी पेशेंट को, तो इसका क्या मकसद है? कोई फैमिली में से कोई बताना चाहे क्या मकसद है? रेट एस्टैब्लिश करना. जी, उसका मकसद ये नहीं होता कि ये ड्रग से दूर रहेगा, स्लिपरी फ्रेंड से दूर रहेगा, अगर इसको मोबाइल दिया तो उससे उनसे रابطہ करेगा. अगर फैमिली को ये लगता है कि मोबाइल हमने इसलिए लिया हुआ है कि ये दोस्तों से रابطہ ना करे, तो फिर पेशेंट कहता है मैं तो आपको रابطہ करके दिखाऊंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको प्रूफ करूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़े. सो फैमिलीज़ को क्लियर होना चाहिए कि हमने जो भी स्टैंड लिया है वो क्यों लिया है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका रैशनल क्या है. रिट एस्टैब्लिश करना. चिल्ड्रन कैन रिएक्ट टू योर स्टैंड्स, इसका भी पता होना चाहिए कि अगर हम नो कहेंगे तो रिएक्ट तो वो करेगा. ये पता ये नहीं है कि जी पेशेंट की पसंदीदगी उस वक्त देखनी है कि अच्छा आप इसको ये कहेंगे कि अब आज के बाद इस घर में नशा नहीं चलेगा, दोस्तों से नहीं मिलोगे, घर में अब तुम रूड नहीं हो सकते. पांचवा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए मेंटली, आपको एक तो स्ट्रांग होने की ज़रूरत है उसके रिएक्शंस का. जब पता है कि ये गुस्सा भी करेगा, ये क्या क्या कर सकता है, धमकियाँ देते हैं या तोड़ फोड़ करते हैं कि मैं फिर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, और फैमिली इससे डरती है. स्टैंड शुड बी टेकन कलेक्टिवली. पता चले कि एक फैमिली का सिर्फ एक मेंबर कह रहा है कि आज के बाद इस घर में ऐसा नहीं होगा, और 3-4 मेंबर्स इनेबलिंग कर रहे हैं, 3-4 मेंबर्स कह रहे हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, फादर कह रहे हैं कि नहीं अब ये काम नहीं चलेगा, घर में स्लिपरी फ्रेंड्स नहीं आएंगे, और मदर जो है वो खाने बना के भेज रही हैं फ्रेंड्स को. ठीक है, सो कलेक्टिवली लेने की ज़रूरत है मशावरत से, सारे फैमिली मेम्बर्स ये स्टैंड इकट्ठा लें तो बात बनती है. सिर्फ एक शख्स कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा और पेशेंट बाकियों को अपनी टीम में कर लेता है, यानी पेशेंट्स को लग रहा है कुछ जंग है पेरेंट्स के खिलाफ, और पेरेंट्स और पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन. लेकिन जो जंग है ना वो है फैमिली वर्सेस डिजीज़. तो बॉर्डर के एक पार बीमारी होनी चाहिए और बॉर्डर के उस पार फैमिली विलिंग वेज, और पेशेंट को भी उधर हमने उस बॉर्डर उस पार ले जाना है खींच के. और क्योंकि बीमारी बड़ी तगड़ी है तो इसमें ज़रा टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, फैमिली एक्सपर्ट्स या लॉ या रिश्तेदार या पड़ोसी, सारे मिल मिला के, और फिर पेशेंट को भी थोड़ा सा हिम्मत दिलाते हैं कि तुम भी ज़रा लड़ो इस बीमारी से. नो नीड टू टेक अ मेजर स्टैंड एवरी टाइम. हर दफ़ा कोई बहुत ही बड़ी बड़ी स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है. बाज़ औक़ात आपको कुछ छोटी बात भी मनवा लेनी चाहिए. छोटी बात क्या हो सकती है? कोई छोटी बात, हर दफ़ा बड़ी बड़ी बातें नहीं मनवानी पेशेंट्स. घर के काम, कोई घर के कोई छोटे काम पहले छोटी बातें मनवाएं. हर दफ़ा नहीं कह रहे कि आप आज के बाद अब ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर ऑर्डर हर दफ़ा नहीं. जैसे फैमिली पेशेंट्स के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि फैमिली कहती शेव कर लो, तो वैसे पेशेंट्स के लिए वो भी बहुत बड़ा स्टैंड है. कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है. डोंट बैक ऑफ आफ्टर टेकिंग अ स्टैंड, जो मैं बात कर रही हूँ कि फिर अगर आपने कुछ कह दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना. पीछे हटेंगे आपकी रेट ख़राब होगी, और वो अगली आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होगी. अगर आप कह देते हैं कि अब आज के बाद ऐसा होगा, और फिर उसके बाद जब वो ऐसा करता है आप कोई एक्शन नहीं लेते. हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा कि बातें बहुत हम कर बैठते हैं बच्चों से, बट जाहिर है फिर बच्चा है तो फॉलो नहीं कर पाते हम. 9th पॉइंट है कि बच्चों को स्टैंड्स पसंद नहीं आते, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि उसकी पसंदीदगी नहीं देखनी, पेशेंट की पसंदीदगी अभी नहीं देखनी. यानी अगर ऑप्शंस दी जाए, या तो वो काम करें जो पेशेंट को पसंद है, या उसकी जान बचा लें, या उसको डिसिप्लिन कर लें, तो दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे आम मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आपको पता है कि इंजेक्शन लगाने से इसको दर्द होगा, बट आप कहते हैं कि जी इसकी जान.